नमस्कार, CGHS में आपका स्वागत है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उन पर निर्भर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करती है। CGHS की शुरुआत सन 1954 में हुई थी, तब से ये लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ती गई। आज भारत के 80 शहरों में लगभग 42 लाख लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। CGHS के अंतर्गत आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा, होम्योपैथी और दूसरी भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और योगा आदि द्वारा उपचार किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं CGHS द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में। CGHS के वेलनेस सेंटर में OPD की सुविधा है, साथ ही दंत चिकित्सा और दवाइयों आदि की भी सुविधा है। इसके अलावा पॉलीक्लिनिक, विभिन्न सरकारी अस्पतालों और CGHS के पैनल पर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में विशेषज्ञों की सलाह भी प्राप्त की जा सकती है। CGHS के अंतर्गत इन हाउस लैब्स हैं और एक्सरे यूनिट भी हैं, जहां रोग निदान यानी डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे डॉक्टरों की सलाह के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा प्रणाली के अंतर्गत दवाइयां भी प्रदान की जाती हैं। ये सब भारत सरकार के आयुष कार्यक्रम के तहत आता है। कुछ चुने हुए सेंटर या अस्पतालों में परिवार कल्याण, मैटरनिटी यानी प्रसूति और बाल स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी दी जाती हैं। आउट पेशेंट डोर यानी OPD और इंडोर उपचार, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन या दूसरे प्रोसीजर्स की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन सब के लिए सरकारी अस्पतालों, मान्यता प्राप्त अस्पतालों, लैब्स और इमेजिंग सेंटर में जाना पड़ता है। इमरजेंसी के समय इलाज करवाने पर सरकारी या दूसरे अस्पतालों में खर्च किए गए पैसे का भुगतान भी किया जाता है। साथ ही कान की मशीन, आर्टिफिशियल लिम्स या उपकरणों के लिए खर्च किए जाने वाले पैसे का भी रीइंबर्समेंट यानी भुगतान किया जाता है। CGHS पैनल वाले अस्पतालों और उपचार केंद्रों में पेंशन धारकों और दूसरे मान्य लाभार्थियों के लिए कैशलेस या बिना भुगतान किए उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है। कामकाजी दिनों पर सभी वेलनेस सेंटर सुबह 7:30 बजे खुलते हैं और दोपहर 2 बजे बंद होते हैं। केवल देश की राजधानी दिल्ली में ही वहां के 4 वेलनेस सेंटर में इमरजेंसी यानी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकारी छुट्टियों वाले दिनों में सभी वेलनेस सेंटर बंद होते हैं। अगर कभी एक साथ लगातार 3 दिनों की छुट्टियां आ रही हैं तो वेलनेस सेंटर लगातार 2 दिन से ज्यादा समय के लिए बंद नहीं रहेंगे। याद रखें, वेलनेस सेंटर के बंद होने से 15 मिनट पहले यानी 2:45 बजे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाता है। फिर भी किसी गंभीर रोगी को अटेंड किया जाएगा। कृपया हमारे वेलनेस सेंटर में प्रवेश करते समय स्क्रीनिंग स्टाफ को अपना पूरा सहयोग दें। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कतार में खड़े हों। हमेशा आपका CGHS ओरिजिनल प्लास्टिक कार्ड या कलर प्रिंटआउट आपके पास होना चाहिए, या फिर मोबाइल पर MyCGHS ऐप या डिजी लॉकर की मदद से अपने कार्ड को रखें। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर CGHS लाभार्थी की पहचान या ID प्रस्तुत करें। आप किसी भी CGHS स्वास्थ्य अधिकारी को दिखा सकते हैं, बस टोकन उपलब्ध होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS और ईमेल ID पर एक ईमेल प्राप्त होगा जो आपके अपॉइंटमेंट की पुष्टि करेगा। इसमें आपकी क्रम संख्या, आपके लिए चुने गए डॉक्टर का नाम और अपॉइंटमेंट का संभावित या अनुमानित समय आदि का पूरा विवरण होगा। CGHS लाभार्थी GDMO से 72 घंटे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और याद रहे, विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए आप 1 महीने एडवांस में
अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर उसी दिन का अपॉइंटमेंट उसी दिन ऑनलाइन नहीं दिया जाएगा। जीडीएमओ के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कतार में खड़ा नहीं होना है, वो दिए गए समय पर रिपोर्ट करे। याद रहे, अपॉइंटमेंट टाइम का मतलब है आपके वहां पहुंचने का समय, यानी रिपोर्टिंग टाइम, ना कि डॉक्टर से मिलने का समय। जब भी आपका टोकन नंबर पुकारा जाए, आप डॉक्टर के कमरे में जा सकते हैं, इसमें समय लग सकता है। 75 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन से CGHS हेल्पलाइन पर फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1-800-20-88-900। 80 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले सीनियर सिटीजन और डायलिसिस वाले रोगी तथा गंभीर रोगग्रस्त लोगों को भी आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट के लिए प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही नौकरी पर जाने वाले सेवारत कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बस आपको ड्यूटी पर उपलब्ध मेडिकल ऑफिसर को सूचित करना होगा और फिर अंदर मौजूद रोगी को देखने के बाद आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। याद रहे, हमेशा शांत रहें, ऊंची आवाज में बात न करें और अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या फिर बंद कर दें। जब आपका टोकन नंबर पुकारा जाए तो आप डॉक्टर के कमरे में प्रवेश करें, अपना CGHS कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन और सभी जरूरी कागजात, रिपोर्ट आदि अपने साथ लेकर जाएं। वहां मौजूद चिकित्सा अधिकारी पूरी जांच और रिपोर्ट आदि देखने के बाद उपचार शुरू करेगा। और हां, दवाइयां ऑनलाइन मॉड्यूल के द्वारा दी जाती हैं। इस सब के बाद डॉक्टर आपको दवाओं की सूची यानी प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट आउट देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पर CGHS.NIC.IN पर जाकर भी अपना प्रिस्क्रिप्शन पा सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी ये प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, जिन दवाइयों के आगे डी लिखा होगा वो फार्मेसी में उपलब्ध होंगी और आप उन्हें उसी दिन 1:45 बजे से पहले प्राप्त कर सकते हैं। ये दवाइयां अगले 3 दिनों तक प्राप्त की जा सकती हैं। और जिन दवाइयों के आगे आई लिखा हो वो फार्मेसी में उपलब्ध नहीं होंगी और आपको लोकल इंडेंट द्वारा अधिकृत दवा विक्रेता से मंगा कर दी जाएंगी। इंडेंट की गई दवाइयां आपको अगले दिन देने का प्रयास किया जाएगा। आपको इन्हें खुद कलेक्ट करना होगा 15 दिनों के भीतर। अगर दवा उपलब्ध ना हुई या अगले दिन छुट्टी हुई तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अगर आपने समय सीमा के भीतर दवाइयां नहीं ली तो वो अनक्लेम्ड श्रेणी में चली जाएंगी और किसी और लाभार्थी को दे दी जाएंगी। हमारा निवेदन है कि फार्मेसी काउंटर पर हमेशा कतार में खड़े हों, अपना CGHS आईडी और प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट आउट फार्मेसी के अधिकारी को दें। जैसे ही दवाइयां दी जाएंगी आपको एक ईमेल या कंफर्मेशन SMS प्राप्त होगा। फार्मेसी काउंटर छोड़ने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें कि दवाइयों की मात्रा ठीक है और दवाइयां सही हैं। महंगी और स्पेशल इंडेंट वाली जीवन रक्षक दवाएं स्टोर से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया अपना CGHS कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। CGHS लाभार्थी या किसी अधिकृत व्यक्ति को ही दवाइयां दी जाएंगी। काउंटर छोड़ने से पहले दवाइयों के नाम और मात्रा की अच्छी तरह जांच कर लें। याद रहे, जिन दवाइयों को विशेष ठंडी जगह में रखना हो उनके लिए स्टोर इंचार्ज के निर्देशानुसार विशेष आइस पैक का इस्तेमाल करें और फिर रेफ्रिजरेटर में रख दें। नर्सिंग अधिकारी आपका ब्लड प्रेशर और नब्ज आदि की जांच करेगा। आपको इनहेलर के इस्तेमाल और इंसुलिन इंजेक्शन लेने के सही तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। जिन वेलनेस सेंटर में लैब होगा वहां आपको अपना CGHS कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होगा। जब आपको टोकन मिल जाए
तो आप सैंपल कलेक्शन सेंटर में जाकर अपना सैंपल जांच के लिए दे सकते हैं। अगर आपको एक्सरे के लिए जाना है तो वहां भी अपना इन्वेस्टिगेशन मेमो प्रस्तुत करें, साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। और हां, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं या कोई शिकायत है तो कोई बात नहीं, सीएमओ इंचार्ज से संपर्क करें। सीजीएचएस में आने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं cghs.gov.in। फिर एक बार आपका आभार। सीजीएचएस, नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी।